नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पत्र शब्द। पत्र मीन्स पत्ता। तो दोस्तों देखिए, पत्र शब्द नपुंसक लिंग होता है, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पर विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन और विभक्तियों के साथ कारक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, तो प्रथमा विभक्ति का चिन्ह होता है ने, तो पत्रम, पत्रे, पत्राणि। द्वितीया विभक्ति को, कर्म को, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। तृतीया करण से के द्वारा, पत्रे, पत्राभ्याम, पत्रैः। चतुर्थी विभक्ति को के लिए, पत्राय, पत्राभ्याम, पत्रे थे। पांचवी विभक्ति से, पत्रात, पत्राभ्याम, पत्रे थे। षष्ठी विभक्ति का के की, पत्र से, पत्रयोः, पत्राणाम। सप्तमी विभक्ति में पर, अधिकरण में पर, पत्रे, पत्रयोः, पत्रेषु और संबोधन हे अरे ओ, हे पत्र, हे पत्रे, हे पत्राणि। अब एक साथ इसका आदर्श वाचन करते हैं दोस्तों। तो देखिए, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, पत्रेण, पत्राभ्याम, पत्रैः, पत्राय, पत्राभ्याम, पत्रेभ्यः, पत्रात्, पत्राभ्याम, पत्रेभ्यः, पत्रस्य, पत्रयोः, पत्राणाम्, पत्रे, पत्रयोः, पत्रेषु, हे पत्र, हे पत्रे, हे पत्राणि। इस प्रकार से हम इसका आदर्श वाचन करते हैं दोस्तों। इसका उच्चारण इस प्रकार से करेंगे, तो याद करने के लिए हम पहले दो लाइन लिखेंगे, उसके बाद दो लाइन लिखेंगे, उसके बाद दो, उसके बाद दो, याद होने के बाद हम दो दो लाइन लिख करके याद कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, पत्र शब्द का मूल जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों? पत्ता भी होता है और लेटर भी होता है। पत्र का मतलब पत्ता या फिर पत्र, पत्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लेटर। तो दोस्तों मूल शब्द के साथ हम कारक चिन्ह जोड़ देते हैं तो इन शब्दों का अर्थ हिंदी में स्पष्ट हो जाता है। पत्रम पत्र, पत्रे दो पत्र, पत्राणी बहुत सारे पत्र। पत्रम कर्म को, चिन्ह क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का को, तो पत्र को, दो पत्रों को, पत्रों को। पत्रेण तृतीय विभक्ति है करण कारक से के द्वारा, तो मूल शब्द के साथ क्या जोड़ेंगे? से के द्वारा, तो पत्र के द्वारा या पत्र से, दो पत्रों के द्वारा, दो पत्रों से, पत्रों के द्वारा या पत्रों से। पत्राये चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, एक वचन है तो पत्र के लिए या पत्र को, दो पत्रों के लिए या दो पत्रों को, पत्रों के लिए या पत्रों को। नेक्स्ट है पत्रात, पंचमी विभक्ति अपादान कारक, अपादान कारक का चिन्ह होता है से, तो मूल शब्द के साथ हम जोड़ देंगे से, तो यहां पर पत्र से, पत्रात का मतलब हुआ पत्र से, क्योंकि मूल शब्द क्या होता है? पत्र। और यहां पर जो अपादान कारक होता है उसका चिन्ह जोड़ देंगे तो क्या होगा? पत्र से, दो पत्रों से, पत्रों से। यहां पर है संबंध कारक काके की, पत्र का, पत्र की, पत्र की, दो पत्रों का, दो पत्रों की, दो पत्रों के, पत्रों का, पत्रों के, पत्रों के, पत्रे, पत्र में या पत्र पर, पत्रयो, दो पत्रों में या दो पत्रों पर, पत्रेषु, पत्रों में या पत्रों पर, हे पत्र, हे पत्रे, हे पत्राणि, हे पत्र, हे दो पत्र, हे दो, हे पत्र। तो इस प्रकार से हम हिंदी में अर्थ स्पष्ट करते हैं दोस्तों। हिंदी में अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, ये मूल शब्द जो है पत्र या पत्ता, इस मूल शब्द के साथ में हम कारक चिन्ह जोड़ देंगे। जैसे यहां पर मूल शब्द है पत्राय, सॉरी पत्राय, यहां पर विभक्ति चतुर्थी, मूल शब्द क्या है? पत्र। अब चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? को के लिए, तो यहां पर जोड़ देंगे के लिए, तो इसे पत्राय का अर्थ क्या हुआ? पत्र के लिए। यहां पर द्विवचन आ गया तो क्या करेंगे? दो पत्रों के लिए। ये जो विभक्ति चिन्ह है ये तो सेम रहेगा, और यहां पर पत्राभ्याम द्विवचन आया तो क्या लिखेंगे? दो पत्रों के लिए, और बहुवचन आ गया तो पत्रों के लिए। इस प्रकार से हम हिंदी में अर्थ स्पष्ट करते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।